हेलो एवान, मेरा नाम सहज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशरा। आप सबका बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे। मैं आपकी आंटी हूँ। ठीक है, आंटी 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 रहना। आंटी या अम्मी आप हाँ। बोल सकते हैं अम्मी को। हम अम्मी जी ही ज्यादातर, वो आपको माता जी बोलते हैं। तो आज की जोड़ी लेकर आए हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि हिंदुइज्म की बेस्ट सनातनी बेटियां बेटे बहुत अच्छे हैं। सही बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें रोजाना देखते हैं। बहुत आपका शुक्रिया। आज की जोड़ी रोज आपसे मिलते हैं। सही बात है। तो भाई देखते हैं सनातन की शॉर्ट वीडियोस। प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज के मैसेज। होता है बालक को जो सुख दुख मिलता है उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पों के तो भविष्य में नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। किसी ने सच ही कहा है, दोस्ती जीवन का वो रिश्ता होता है जो जीवन भर हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहता है। हे मनुष्य, मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। सही बात, सही बात। शब्द नहीं बदले जा सकते, एक दफा बोल दो। शिव 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 काते अनंत शिव योगी महादेव योगी महादेव काते अनंत शिव। जिसके साथ भाई बुरा होता है ना, उसकी दुनिया हेल्प करे ना करे, भाई मैं हमेशा कहता हूँ जगन्नाथ आपका शरीर हमेशा आपको सिग्नल देता है कि आपके शरीर में कौन सा विटामिन तथा मिनरल्स की कमी है। ये थोड़ी सी नॉलेज आपको लॉन्ग लाइफ हेल्दी बना सकता है। घुटना तथा कोहनी चटकना मतलब कैल्शियम की कमी, एडी फटना होंठ के साइड फटना तथा होंठ में छाले मतलब B2 की कमी, दांतों से खून मुंह में छाले मतलब विटामिन सी की कमी, नाखून में सफेद डट दाढ़ी की कम ग्रोथ तथा बॉडी मास कम मतलब जिंक की कमी, बाल झड़ना सफेद होना मतलब आयोडीन की कमी, नाखून में लाइन आई लो की डेंसिटी कम तथा आंखों के नीचे सूजन मतलब थायराइड का प्रॉब्लम। बात नंदी, आई एम बैक। नंदी ये क्या, पता चल जाएगा आपको। पूछा कौन है? आपने भी पूछा है। राक्षस को डर युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर हरिये भ्राता दुर्योधन, आप सर पर बैठे थे ना, इससे दिखाई नहीं दिए। अरे बड़ा मजा आया था यहाँ पे, कृष्णा जी को पता था लेकिन फिर भी समा कीजिए। भगवान को ये मन बताओ कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। आपके प्रॉब्लम्स को ये बताओ कि आपका भगवान कितना बड़ा है। ऐसा संसार और ऐसा मानव आपने बनाया ही क्यों नारायण, जो आपकी बनाई धरती पर अंधेरा फैला रहा है। तो आप क्या चाहती थी कि हम केवल दिन बनाते और रात्रि न बनाते? फिर मानव को अंधेरे उजाले का अंतर कैसे जान पड़ता? सही बात, विष न होता तो अमृत की महत्ता कैसे जानी जाती? पुष्प के साथ कांटे न होते तो पुष्प के सौंदर्य को कौन जान सकता? पतझड़ ना आती तो वसंत ऋतु इतनी सुहानी कैसे लगती? सही बात, पर पितामह से भेद नहीं आते, पर गुरुवत कौन से भेद? पावर ऑफ करण कि तुम्हें करण से भेदित होंगे। रावण ने स्वर्ग तक जाने के लिए दूसरी सीढ़ी बनाई थी। ये ऐसा शिवलिंग है जो आपको सम्मोहित कर देता है, यहाँ आप थोड़ी देर बैठेंगे तो आप सम्मोहित हो जाएंगे। स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी का रास्ता। शिवलिंग का आकार हर वर्ष 100 किराने के बराबर बढ़ जाता है। जी हाँ, अचंभित करने वाला ये शिवलिंग है। इसके पीछे मान्यता ये है कि ये वो स्थान है जहाँ पर रावण ने तप किया था अमृत को पाने के लिए।
होता कुछ ऐसा है कि भगवान राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, तब रावण को आभास हो गया था कि उसका अंत समय आने वाला है। वो इसी स्थान पर आता है और तपस्या करता है, भगवान शिव को प्रसन्न करता है। भगवान शिव यहाँ प्रकट होते भगवान शिव से अमृत मांगता है, कहता है कि मुझे अमृत का वरदान चाहिए, कोई मुझे मार ना सके, इस शरीर के साथ ही मैं स्वर्ग में जा सकूं और स्वर्ग से आ सकूं। तब भगवान शिव से बोलते हैं कि यदि तुम एक ही दिन में स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बना लोगे तो तुम स्वर्ग जा सकते हो शरीर सहित। तो पहली सीढ़ी बनाता है रावण हर की पौड़ी में, हरिद्वार में। दूसरी बनाता है इसी स्थान पर दोस्तों। तीसरी बनाता है चूड़धार में, चंद्रेश्वर महादेव। और चौथी बनाता है, परंतु पांचवी सीढ़ी बनाने से पहले वो थक जाता है, उसे नींद आ जाती है और सारा कार्य उसका असफल हो गया होता है। स्थान है जिनके बारे में हमारे लोगों ने सुना तक नहीं है, बहुत से लोगों ने, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे स्थान तक आपको पहुँचाऊ ताकि आप भी यहाँ आ सके और यहाँ पर दर्शन करके लाभ उठा सके। यहाँ जो मांगेंगे वो आप अपने आप और अपने काम के अलावा कहीं और सुकून खोजना, दुख को निपटा देना है। कमाल हो गया भाई। क्या बोल रहे थे आप? क्या राम है? राम नहीं है, इतना तेज जलाया करोर। हाँ दिया जलाया। हाँ उसका कितना तेज गया है? आप कितना दिए? प्रॉब्लम का सलूशन है लड्डू गोपाल जी के पास। नियत साफ तो सब माफ। नियत साफ हो तो सब माफ हो जाता है। क्या बात है। पुराणों में लिखा है 1000 बार नारायण विष्णु नाम के लिए एक राम नाम बराबर है, 3 राम नाम को एक कृष्ण नाम बराबर है। और कृष्ण खुद बोलते हैं, मम नाम शतेनैव राधा नाम सकृत समम, ये स्मृते सर्वदा राधा न जाने तस्य की फलम। मेरा नाम कोई 100 बार भी बोलेंगे उससे एक बार ही राधा नाम श्रेष्ठ है। जो रामायण सीरियल आया था उसमें आपने जामन जी का रोल किया। डायलॉग है, अगर आ गया हो हाथ बुलाए बुलाए। यद्यपि मैं तुम लोगों में से सबसे ज्येष्ठ हूँ, मुझे स्वयं अग्रदानी होना चाहिए, पर बूढ़ा होने के नाते अब वो साहस मुझमें नहीं है। वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने अपने 3 तक पढ़ाए थे उसी समय मैं वन पर्वत कानन और समूची पृथ्वी सहित 21 बार प्रदक्षिणा की। यदि साहस करूं तो 90 योजन जा सकता हूँ। ऋषियों ने श्राप दिया था आप अपने पल को भूल जाओ। माता अंजना ने जब अनुनय विनय किया तब उन्हीं ऋषियों ने कहा था उचित समय आने पर जब इसे इसके बल की कोई याद दिला देगा तो याद आ जाएगी। जागो जागो हनुमान जी, अत्यंत बलशाली हो, महान बलशाली हो, जागो जागो जागो।
श्री कृष्ण, ये थी आज की शॉर्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी, जिसमें हमेशा मैंने जब भी मैंने देखी है ना शॉर्ट्स, मुझे कुछ ना कुछ सीखने में मिला है, और आज भी इसमें कुछ ना कुछ हमें सीखने में जरूर मिला कि यार जब आपकी नीयत साफ होती है ना तो आप जो भी काम करते हो तो वो काम आपका अच्छे तरीके से हो जाता है, और जो काम बदनीयती से किया जाता है जिसमें आप अपना मुफाद देख के यार मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं क्योंकि आजकल हम देखते हैं सिर्फ लोग अपना सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि हम किसी का भी भला, किसी का अपना भला, अपने किसी का भला होगा तो अपना भी हो जाएगा, अपने साथ साथ दूसरों की भलाई भी देखें। अगर आप अपना ही भला देखते रहेंगे तो इस दुनिया में आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा, और जब आप किसी दूसरे का नियत ये रखोगे अपने दिल में कि यार मुझे इसका भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर इंसान का ना वो जो काम रुके हुए जाता कि आज किसी का भला कर दे तो सही बात है, किसी का भी कुछ नहीं जाता, हर इंसान के अंदर ये एक होना चाहिए कि यार हसद को छोड़कर हमें दूसरों की भलाई, दूसरों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, इस जिंदगी ये तो बस कुछ ही पलों की जिंदगी है जो खत्म हो जानी है, लेकिन आपके जो काम होते हैं ना जो आपने वही याद सबके दिलों में भी वही याद, जब हमारे साथ किसी ने अच्छा किया होता है तो हम उसको याद करते हैं, हाँ यार ये बंदा बड़ा अच्छा था इसने, और अगर किसी ने आपने किसी के साथ बुरा किया होगा ना तो वो आपको बुरे अल्फाज में ही याद रखेगा, तो यार करेगा वो भी याद बुरे से करेगा वो, सही बात है, तो यही हमें सनातन धर्म सिखाता है कि अपना जो धर्म है ना उसको निभाओ अच्छे तरीके के साथ, ये नहीं है कि बस अपना ही फायदा सोचते रहो, दूसरों के बारे में भी हमारा कुछ धर्म बनता है जो हमारा निभाना हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, तो ये आज की सीख मिली, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है एक और वीडियो में।